कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन का एक क्वेश्चन है मई जून 2023 का। अमृतसिंह के बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, उनके उनका पेपर कैंसिल हो गए थे, प्रीडिक्टेड ग्रेड्स मिले थे उनको इस पेपर में, तो उसको देखते हैं हम। ये लिखा है मई जून 2023। कहते थे बुक कीपर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ सेलेज कंट्रोल अकाउंट फॉर मार्च 2020। हाउएवर द बैलेंस ऑफ द कंट्रोल अकाउंट डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ balance of accounts in the sale ledger. The following errors were discovered which accounted for the difference. Following errors hain jiski wajah se wo kehta hai ki difference jo hai wo create hua hai. Total of sales return journal has been overcast by 160. Sale return journal ke total ko aapne kya kar diya hai, zyada likh diya hai, overcast kar diya. Agar aap niche dekhe sawal mein, उसने दो कॉलम दिए हुए SLCA का और सेल लेजर बैलेंस का कॉलम, उसने हमें क्वेश्चन में दे दिए बना के, एक उसने हमें SLCA का दे दिया। और एक सेल लेजर बैलेंस का दे दिए, ठीक है जी, और उसने कहा ऐसे करेक्ट करें। क्वेश्चन में उसने दोनों के अमाउंट्स भी दे दी हुई है, इनकरेक्ट फिगर्स भी दे दी है, वो 14850 और 15320। अच्छा, ये दोनों देखिए सेम नहीं आ रहे, बैलेंस में लिख रहा हूं, इन दोनों को सेम होना चाहिए लेकिन ये सेम नहीं है। और एरर वन का उसने डायरेक्टली दे दिया 160, एरर वन जो है 160 यहाँ ऐड होगा, ये तो उसका इफेक्ट नहीं आना। तो कैसे उसने दिया देखते हैं हम। टोटल ऑफ सेल रिटर्न जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 160, उस सेल रिटर्न को आपने ज्यादा लिखा है 160 से। आपको पता है सेल रिटर्न की वजह से कस्टमर जो है वो क्रेडिट होता है। अब आपने सेल रिटर्न टू कस्टमर एंट्री पास की है, कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, आपको कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने का मतलब है कि आपको ऐड करना पड़ेगा। टोटल में गलती हुई है तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होगा। टोटल में जब गलती होती है तो उसका एरर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में करेक्ट किया जाता है। तो डेबिट आपने करना है, इसको डेबिट करेंगे तो ऐड हो जाएगा इसकी 160, उसने कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस में ऐड कर दिया, इसीलिए हम वहां पे ऐड किया है। ये देखिए आप, ठीक है जी, अगले आयोजन पढ़ते हैं। बात समझ आ गई है, जी क्लास समझ आ गई है, मेरी ट्रांजेक्शन जी सर आ गई। दूसरे में कह रहे जी कि बैलेंस ऑफ ए सेल लेजर अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 150। एक बंदे का सेल लेजर का अकाउंट था, किसी कस्टमर का, किसी कस्टमर का बैलेंस था, उसको हमने कहता है कि कम लिखा है, 150 से कम लिखा है। एक बंदे का सेल लेजर का अकाउंट था, उसको 150 से कम लिखा है, तो उसके सेल लेजर अकाउंट में हम लिख देंगे और क्या। नंबर टू एरर के अंदर 150 हम उसके सेल लेजर अकाउंट में इजाफा कर देंगे, कि किसी बंदे का है ना, इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई है। उसके सेल लेजर अकाउंट में इजाफा करने का मतलब है कि वो डेबिट करना पड़ेगा आपको, उसको डेबिट करेंगे तो ऐड करेंगे, तो 150 हमने ऐड कर दिया तो वो करेक्ट हो गया। फिर नंबर थ्री में कहता है एंट्री इन द सेल जर्नल फॉर सुजैन बेकर 370 हैज बीन पोस्टेड एज अ डेबिट एंट्री इन द सेल लेजर अकाउंट ऑफ साराज बेकर। जी इसका कुछ बता सकते हैं आप, क्या होगा? सर ये क्रेडिट होगा डबल अमाउंट,
जी होता है ऐसा, लेकिन थर्ड एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने सेल जर्नल में एक बंदे को क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर ली है सुजैन बेकर के नाम से, 370 से करनी थी। आपने सेल जर्नल में डेबिट एंट्री पास की है उसके अकाउंट में, लेकिन सारा बेकर के अकाउंट में एंट्री पास कर दी। ठीक है जी, लिखना था बेकर के अकाउंट में, लिख दिया, डेबिट कर दिया सारा बेकर के अकाउंट में। बेटा टोटल में गलती नहीं आएगी, टोटल सेम रहेगा, तो इसका इफेक्ट बीआरएस में नहीं आएगा क्योंकि टोटल सेम रहेगा, दोनों को आपने डेबिट ही करना था, सिर्फ नाम की गलती है, तो नाम की गलती की वजह से टोटल में फर्क नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा क्योंकि एंट्री हम उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए सेल जर्नल में तो एंट्री सही पास हुई, सेल जर्नल बिल्कुल सही बना, सेल्स लेजर में हमने प्रॉब्लम की, और सेल लेजर में प्रॉब्लम क्या की है कि सारा की जगह, सॉरी सुजैन की जगह हमने डेबिट किसे कर दिया है, सारा को, या डेबिट तो किया है ना, टोटल में तो गलती नहीं आएगी, टोटल तो फिर भी सेम रहेगा। तो सेल एज बैलेंस के टोटल में इसकी वजह से फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा, तो ये एरर हम एक्टिव एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द बैंक स्टेटमेंट फॉर 31st मार्च रिकॉर्डेड the return of the check for 420 received from a credit customer. The transaction had not been recorded in the books of account. Check dishonor हुआ है? सही, दोनों में आएगा ना? जी जी, हमने उसकी entry pass नहीं की, दोनों में आएगा, और दोनों में क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा, तो तीसरा तो effect नहीं होना था, चौथा दोनों में add हो जाएगा। Check dishonor add होता है, 420 दोनों में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे एन एंट्री इन द जनरल जनरल राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ जे लिमिटेड 230 राइट ऑफ करना था, यानी बैड डेट्स हो गए थे एज इररिकवरेबल डेट्स हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट, लेकिन आपने कस्टमर के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिए, बैड डेट्स हुए थे 230 के। सही, डबल से हो जाएगा राइट से, लेस हो जाएगा। कस्टमर को क्रेडिट चेक पे लिखना था, आपने डेबिट पे लिख दिया, आपको एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए, 460 से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो माइनस होगा लेकिन सिर्फ लेजर में। कंट्रोल अकाउंट सही है, ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि ये मिट गया, आपने बना लिया था? हाँ सर, मैंने बना लिया। हाँ जी, तो उसमें से लेस कर देंगे आप 15430, दोनों कहाँ से देखने सही मार्च, सेम आ जाएगा। हाँ सेम आ रहा, बस ठीक हो गया। तो ये आसान सवाल था जो कि हमने सॉल्व किया है। इससे आगे देखते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है कि नहीं, आगे वाला 180 वाला, पता नहीं सर, शायद पीछे चेक कर लें, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी देख लें, मेरे हिसाब से करवाया मैं ये वाला सर।
सामने नजर आ रहा है? हाँ ये वाला ना, हाँ ड्राइवर सर। इससे अगला देखें, वो भी शायद मैंने करवाया है। नहीं सर ये नहीं करा। ये वाला क्वेश्चन है, नहीं सर ये नहीं हुआ। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये SP16 वाले को। पेज नंबर है आपका 186, वापस जाके उसको सॉल्व करते हैं। 186 निकाल लिए सर। अच्छा इसके अंदर से दोनों को करेक्ट करने को नहीं कहा, इसमें इसने सिर्फ ये क्या करेक्टेड आपने सेल लेजर कंट्रोल को बनाना है, बस दोनों को सॉल्व करने का। आपने सिर्फ SLC के बनाना है बस। इधर आपका ब्रॉडन आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 64850 का। ये कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है जी। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस फिर हम पढ़ते हैं आगे। टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 200। डिस्काउंट अलाउड को आपने क्या लिखा है, ज्यादा लिख दिया यानी ओवरस्टेट कर दी। तो टोटल को ओवरस्टेट किया है, ये गलती डेफिनेटली कैश बुक में ही करेक्ट की जाएगी, ओ कंट्रोल अकाउंट में ही करेक्ट की जाएगी। डिस्काउंट अलाउड को ज्यादा लिख दी यानी क्रेडिट ज्यादा कर दिया आपने, आपको डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट साइड पे आप लिख देंगे 200। रिसीट ऑफ 800 फ्रॉम सीरिया कस्टमर हैज बीन ट्रीटेड एज ए रिफंड फ्रॉम सेली अ सप्लायर, ठीक है जी। आपने सीरी से पैसे रिसीव किए थे लेकिन आपने गलती से इसको ट्रेड पेबल के नाम से लिख दिया। तो ट्रेड पेबल के नाम से लिख दिया आपने, तो जो सीरी से रिसीट आई थी वो तो आपने लिखी नहीं। ठीक है ना, यानी पैसे वसूल करने की एंट्री की बजाय आपने गलती से पैसे सप्लायर से रिसीव करने की एंट्री पास कर दी। तो दोनों में आएगी लेकिन हम क्योंकि सिर्फ ये बना रहे हैं तो हम सिर्फ इसी में लिखेंगे। Receipt from Siri 800. A total of sale general for January has been undercast by 500. Sale general को undercast किया आपने 500 से, तो यहां लिख देंगे आप sale general undercast आ जाएगा। An invoice of 950 sent to Benny has been entered in the sales journal as 590. चीजें बेची थी आपने 950 से लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया सो कितने से, 590 से। तो कम से रिकॉर्ड किए, मजीद रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
कितने से डेबिट करना पड़ेगा मजीद? थ्री सिक्सटी से। ठीक है ना, क्योंकि सेल जनरल में गलती हो रही है ना। एरर अंडर कास्ट के नाम से लिख देते हैं इसको। फिर गुड्स विद द सेलिंग प्राइस 760 हैड बीन इनवॉइस टू जेनी, द गुड्स वर सेंट ऑन अ सेल्स और रिटर्न बेसिस, जेनी हैड नॉट इंडिकेटेड वेदर और शी इंटेंडेड टू बाय द गुड्स। आपको पता है ये सेल नहीं होती है, इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं, हम निकाल देते हैं इसको हम सेल्स और रिटर्न बेसिस के नाम से, क्योंकि कस्टमर ने एंट्री पास कर दी है ना कस्टमर टू सेल्स, लेकिन सेल्स हुई नहीं है तो सेल्स टू कस्टमर दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। इनवॉइस ऑफ 280 सेंट टू किम हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स जनरल बट हैड बीन एंटर्ड इन द किम्स अकाउंट एज 208, ये नहीं आएगी क्योंकि ये सेल लेजर की गलती है। सेल जनरल में तो उसने सही एंटर किया है, लेजर में लिखते हुए गलती की है। तो बस इसका टोटल कर दें और हमारा आंसर निकल आएगा 65910 सर टोटल। जी और 64650 कैरीड ऑन 64650 जी सर 64350 आ रहा है मेरा ख्याल है। सर ये आपने दूसरी एंट्री 760 लिखी है ना? जी जी हाँ सर यही आ रहा है 64350 आ रहा है। चेक कर दो सर माइनस 64350 आ रहा है। जी किधर चले गए हो? इधर ही सर। निकाल लिया आपने? हाँ सर निकल गया। बस ठीक है, समझ आ गई आपको, इसके बाद में देखते हैं हम। आप पिछला क्वेश्चन जो है वो आप करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको देखें, आपने सेल एजर कंट्रोल अकाउंट बनाना, पहले तो ये बनाए ना सेल एजर कंट्रोल अकाउंट बनाए, फिर हम इससे आगे चलते हैं। पहले तो ये बनाए ना, ये सेल एजर बैलेंस डेबिट पे आ जाएगा आपका, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे आपके डेबिट पे, क्रेडिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे, रिसीट फ्रॉम डेटर पे क्रेडिट पे, डिस्काउंट क्लाउड क्रेडिट पे, बैड डेट्स क्रेडिट पे, चेक ऑन द डेबिट पे और कॉन्ट्रा एंट्रीज भी क्रेडिट पे आ जाएंगे। बनाए एस एल सी कैरी टाउन निकाले।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई बन गया है? जी सर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सर मैं कहता हूँ सर बस खत्म करें हम।
तो क्या और है, बस लास्ट एंट्री खत्म करते हैं। पहली जो ट्रांजेक्शन है, अ क्रेडिट नोट फॉर 420 विच हैड बीन सेंट टू अ डेटर हैज बीन एंटर्ड इन द सेल जर्नल बस बट पोस्टेड एज ए सेल्स टू बोथ अकाउंट्स। देखिए असल में कितना क्या था, हमने क्रेडिट नोट फॉर 220 विच हैज बीन सेंट टू अ डेटर, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री थी असल, आपने गलती से सेल्स की एंट्री पास कर दी टोटली, यानी अगर कहने की बात की जाए आपने एंट्री करनी थी, कब निकला है ये, आपने एंट्री पास करनी थी कस्टमर टू सेल्स, आपने कर क्या दी, आपने कर दी, आपने करनी थी एंट्री एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, आपने कर क्या दी, सॉरी यार आपने करनी थी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर करनी थी, आपने कर दी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल को आपको पहले तो 420 से आपने यहां लिखना था, लिख दिया आपने यहां 420 से, एक दफा 420 से डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करूंगा, एक दफा दोबारा क्रेडिट करूंगा, तो मुझे 840 से क्रेडिट करना पड़ेगा एक्चुअली इसको, 840 से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल जी सर, तो 840 से क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब है कि आप एसएल जो कहते हैं कंट्रोल अकाउंट भी माइनस होगा और नीचे लेजर बैलेंस में माइनस होगा, दोनों जगह से माइनस होगा, 840 कंट्रोल अकाउंट में से भी माइनस करना पड़ेगा, यानी एसएलसी के राइट साइड पे आ जाएगा और नीचे भी माइनस हो जाएगा। डेबिट एंट्री सेल लेजर 8698 की सेट ऑफ करनी थी आपने एज ए काउंटर एंट्री इन पर सेल लेजर, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट, लेकिन आपने कंट्रोल अकाउंट में सेट ऑफ की एंट्री पास नहीं की, ये एसएलसी की राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है खुद घर में, इतना मुश्किल नहीं है, मुझे याद है मैंने क्लास में करवाया है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वेडनेसडे वाले दिन हमारी नॉर्मल टाइमिंग करेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह पीएलसीए के बारे में पढ़ेंगे, कि अमेंडेड परचेज रिजर्व कंट्रोल अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन रिगार्डिंग द परचेज, ठीक है, ओके देन।